जैसे रिसेंटली अभी जो है वो एच की तरफ से यू सेट जो है वो एंट्रेटेंस एग्जाम का की अनाउंसमेंट की गई है उसमें आपके पास क्वान्टिटिव रीजनिंग के ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो एम आपसे पूछे जाएंगे सो ट्वेंटी फाइव में आपके पास इसका मेजर पोर्शन कवर होगा चलें आज हम स्टडी करते हैं क्वान्टिटिव रीजनिंग में तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ मेथड्स और कुछ ट्रिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी जिससे आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आज इस वीडियो में मुकम्मल आपके साथ जो है वो एक डिटेल शेयर की जाएगी जिससे आप हर कैटेगरी का क्वान्टिटिव रीजनिंग का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे लेट्स स्टार्ट क्वान्टिटिव रीजनिंग में हमारे पास कुछ पोश्चन्स होते हैं आज हम जिस पोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज अर्थमैटिक अर्थमेटिक हमारे पास एक ऐसा पोर्शन होता है जिसमें हम नंबर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको सॉल्व करते हैं इसमें आपके पास सबके सब जो है वो नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं सो नंबर्स को स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू नो द नंबर सेट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज के कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं नंबर सेट्स होते हैं और uh, किस कैटेगरी में कौन कौन से हमारे पास नंबर्स फॉल करते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर होता है होल नंबर इंटीजर इवन ऑड प्राइम कॉम्पोजिट रैशनल और इरेशनल नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे आपके पास ये ज़ीरो वन टू थ्री ज़ीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता हमारे पास सिंपल इस काउंटिंग नंबर्स होते हैं वन टू थ्री अप टू सो वन होल नंबर हमारे पास ऐसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास ज़ीरो इंक्लूड होता है जीरो वन टू थ्री अप टू सो so ऑन आगे ये नंबर जो है वो चलते जाएंगे इंटीजर्स आपके पास ऐसे सेट्स होता है नंबर्स का जिसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ होती हैं इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ का ये सेट होता है और इनको हम इंटीजर्स कहते हैं आ, ये हमारे पास ये भी इसी तरह चलता जाएगा इंटीजर्स के सेट में पॉजिटिव वैल्यूज भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यू भी होते हैं जैसे प्लस फोर इज़ आल्सो आ इंटीजियर एंड माइनस फोर इज़ ऑल्सो आ इंटीजर नेक्स्ट आप हमारे पास है इवन इवन नंबर का सेट वो होता है जो हमारे पास डिविजिबल बाय क्या होते हैं टू होते हैं कोई भी नंबर जो आपके पास डिविजिबल होगा टू से वो आपके पास क्या होगा वो इवन नंबर होगा लाइक सिक्सटीन सिक्सटीन को हम टू से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमारे पास एट आंसर आएगा सो इट्स अ इवन नंबर ऑड नंबर हमारे पास क्या होता है ऑड नंबर हमारे पास वो तमाम नंबर होते हैं जो हमारे पास टू से डिवाइड नहीं होते जो हमारे पास नॉट डिवाइडेड बाय या नॉट डिविजिबल बाय जो है हमारे पास टू होते हैं जिनको हम टू से डिवाइड नहीं करा सकते ठीक है ये हमारे पास ऑड नंबर होते हैं और जो नंबर हमारे पास इवन नहीं होते वो डेफ़िनेटली हमारे पास ऑड नंबर होते हैं आ, नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो आ, जिनकी फैक्टर्स हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं एक वो वन होता है एक वो नंबर इट्स होता है इसके अलावा हमारे पास प्राइम नंबर का कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होता जैसे हमारे पास सेवन है सेवन इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि सेवन या तो ख़ुद वन पर आता है या सेवन पे आता है ये वन और सिर्फ सेवन से डिविजिबल है ये किसी और नंबर से हमारे पास डिविजिबल नहीं होता कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं वो सारे नंबर जो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होते वो हमारे पास क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं

कॉम्पोजिट के हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे आप नाइन uh, ले लें नाइन के हमारे पास फैक्टर्स क्या होते हैं वन थ्री एंड नाइन इसमें देखिए हमारे पास मोर देन टू आ गए वन और नाइन के अलावा थ्री भी जो है वो इसका फैक्टर होता है तो इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स हमारे पास वो सारे नंबर्स होते हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं और इसके लिए एक हमारे पास कंडीशन होती है कंडीशन इज़ क्यू इज़ नॉट इक्ल टू जीरो तो सारे नंबर जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं जैसे सेवन बाई टू एटीन बाई फाइव तो दीज और आल द रैशनल नंबर और हमारे पास इैशनल नंबर वो होते हैं जो हमारे पास पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते ठीक है ये हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते और इनमें हमारे पास मोस्टली हमारे पास वो आते हैं अंडर रूट वैल्यूज़ आती हैं अंडर रूट थ्री अंडर रूट टू अंडर रूट फाइव और हमारे पास पाई और ई e, ये सब हमारे पास जो है वो एर रैशनल नंबर्स होते हैं ठीक है चलें ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया नंबर्स रिलेटेड का नंबर रिलेटेड आपके पास जो सेट्स होते हैं उनका अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे पास मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज वेन टू प्राइम नंबर इन मल्टीप्लाइड व्हाट इज द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट इज मे बी प्राइम नंबर नॉन इंटीजियर नंबर रैशनल कॉम्पोजिट और इवन नंबर हमें बताना है कि जब हम दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास इसके uh, जो आंसर आएगा वो क्या होगा ठीक है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन तो चलें लेट करते हैं हम अपने दो प्राइम नंबर्स कर लेते हैं लेट सपोज वी हैव वन प्राइम नंबर ए और दूसरा हम कर लेते हैं बी अगर ए हम थ्री लेते हैं और बी हम जो है वो फाइव लेते हैं थ्री इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर एंड फाइव इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं थ्री फाइव आपके पास क्या आ रहा है फिफ्टीन आ रहा है ठीक है थ्री फाइव जार फिफ्टीन अब इस आंसर को देखते हुए हम अपना करेक्ट आंसर चूज करेंगे फिफ्टीन जो है सबसे पहले फिफ्टीन को हम आ, देख लेते हैं अगर हम फिफ्टीन के फैक्टर्स बनाएं ये आपके पास वन थ्री फाइव और फिफ्टीन ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं वन और एक वो इट्स तो फिफ्टीन में हमारे पास यहां पर इसकी ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही सो ये इसका आंसर नहीं हो सकता ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है नॉन इंटीजर नंबर तो ये हमारे पास नॉन इंटीजर नंबर नहीं है क्योंकि ये इंटीजर नंबर है इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता रैशनल रेशनल हमारे पास वो नंबर होते हैं जो पी पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं तो ये हमारे पास पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं है तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता कॉम्पोजिट येस yes, इसका ऑप्शन कॉम्पोजिट हो सकता है क्योंकि हमारे पास कॉम्पोजिट वो नंबर्स होता है जिसमें हमारे पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको ये नाइन की एग्जाम्पल दी थी तो ये हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है इवन नंबर ये हमारे पास इवन नंबर नहीं है इट्स अ ऑड नंबर ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा डी इस इसी तरह के आपके पास क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपने बिल्कुल इसी तरह नंबर लेट करके तो बाकी सारे आंसर्स को उस पर अप्लाई करके देखना है जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा उसको आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो कहेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लीज चूज़ वन करेक्ट आंसर ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली आस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये हमारे पास तकरीबन हर क्वांटिटेटिव रीजनिंग पोर्शन में जरूर पूछा जाता है इसको आप कंप्लीट द सीरीज के नाम से भी इस क्वेश्चन को आपने अक्सर देखा होगा कंप्लीट द सीरीज ठीक है और अगर आपको इससे रिलेटेड फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको कंप्लीट द सीरीज टाइटल की एक वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है कि आप सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को इन क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है वी नीड टू फाइंड द पैटर्न हमें इसका पैटर्न फाइंड करना है जब हम इसका पैटर्न फाइंड कर लेंगे तो आप इसमें बाकी जो आगे बस नंबर uh, हमने खुद चूज़ करने हैं कि इसमें कौन से नंबर आ सकते हैं तो वो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं अब अगर आप ये देखें तो हमारे पास फर्स्ट नंबर भी मिसिंग है सेकंड नंबर है थर्ड नंबर भी मिसिंग है तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखते हुए कोई भी पैटर्न जो है वो खुद से डिटरमाइन uh, नहीं कर सकते खुद से नहीं फाइंड कर सकते तो हम सेकेंड और थर्ड नंबर को देखते हैं अगर आप सेकेंड और थर्ड नंबर को देखो नाइन और इलेवन इनमें आपके पास दो नंबर का गैप है मतलब इसमें हम हमने टू प्लस किया गया है नाइन प्लस टू आपके पास क्या होता है इलेवन होता है अब इसी को देखते हुए अगर हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें यही पैटर्न को फॉलो करें फाइव में आप टू प्लस करो तो आपके पास क्या आएगा सेवन ठीक है फाइव में टू प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा सेवन और अगर आप फाइव में कुछ माइनस करें जैसे टू प्लस कर रहे हैं तो इट्स मीन जो इससे पिछला प्रीवियस नंबर होगा वो टू माइनस करने से ही आएगा तो आप अगर इसमें टू माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा थ्री आएगा अब आप थ्री में जरा प्लस टू करें फाइव फाइव में प्लस टू करें सेवन सेवन में प्लस टू करें नाइन और इलेवन में नाइन में प्लस टू करें तो इलेवन यह आपका पैटर्न बन गया इट्स मीन इसका सूटेबल आंसर क्या है इट्स अ बी ऑप्शन थ्री एंड सेवन ओके क्वेश्चन नंबर थ्री है ये भी आपके पास अर्थमेटिक का क्वेश्चन है जिसमें आपने वन जीरो वन टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड करनी है सीक्वेंस आपके पास इसमें गिवन की गई है सीक्वेंस आपके पास आ, क्या है वन फोर सेवन टेन अब वन ज़ीरो वन टर्म आपने फाइंड करनी है तो इसको फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है फार्मूला क्या होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी यही फार्मूला हम हमेशा यूज करेंगे इसमें आपके पास ए एन का मतलब है वो टर्म जो आपने फाइंड करनी है इसका मतलब है हमने वन जीरो वन टर्म फाइंड करनी है एन आपके पास यहां पर क्या है वन जीरो वन है तो ए वन हमारे पास क्या होगा जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है उसकी जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए वन होती है अगली ए टू ए थ्री ए फोर तो इसी तरह आपके पास ये चलता जाएगा तो ए वन हमारे पास इस केस में क्या है वन है तो वन आ जाएगा एन आपके पास क्या है वन जीरो वन माइनस वन डी आपने फाइंड करना है डी हमारे पास डिस्टेंस होता है टू टू टर्म्स के जो है वो डिफरेंस होता है जैसे हम हम अगर इसका डिफरेंस फाइंड करें वो आएगा ए टू माइनस ए वन तो फोर माइनस वन हमारे पास क्या आ जाएगा थ्री तो यहां पे डी की प्लेस पे आपके पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा वन प्लस वन हंड्रेड माइनस वन थ्री तो ये आपके पास हो जाएगा वन जीरो वन इज इक्वल वन प्लस हंड्रेड थ्री तो ये आपके पास थ्री जीरो वन इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा थ्री जीरो वन नेक्स्ट है अभी आपके पास फिफ्टीन परसेंट ऑफ आ नंबर इज वन सिक्सटी एट फाइंड द नंबर आपके पास एक नंबर है उसके फिफ्टीन परसेंट जब आपने फाइंड किया है वो आपके पास वन सिक्सटी एट आया मतलब फिफ्टीन परसेंट ऑफ आ नंबर इज वन सिक्सटी एट तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म में फिफ्टीन परसेंट ऑफ नंबर लेट्स से नंबर इज एम इज इक्वल वन सिक्स एट हमने एम फाइंड करना है तो ये जो फिफ्टीन परसेंट है वो उधर जाके आपके पास किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा वन सिक्स एट फिफ्टीन मल्टीप्लाई हंड्रेड ठीक है अब आप इसकी कटिंग करके आप इसको सॉल्व करेंगे करें तो ये आपके पास फाइव थ्री फिफ्टीन फाइव टू तो जी ट्वेंटी जीरो तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास थ्री थ्री सिक्स जीरो डिवाइडेड बाई थ्री आएगा फिर इसकी कटिंग करें तो ये आपके पास वन वन टू जीरो रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे बस आपने इसमें स्टेटमेंट को आ, अच्छे से आइडेंटिफाई करना है फिफ्टीन परसेंट ऑफ अ नंबर इज वन सिक्सटी एट कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिसमें आपके पास नंबर गिवन होगा जिससे इसी क्वेश्चन को अगर आप अल्टरनेट करें तो ये आपके पास आएगा कि फाइंड द फिफ्टीन परसेंट ऑफ वन वन टू जीरो फाइंड द फिफ्टीन परसेंट ऑफ वन थाउजेंड वन ट्वेंटी तो वो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा वन सिक्सटी एट आएगा तो वो उसका बिल्कुल अल्टरनेट प्रोसेस होगा इसमें हमने वन सिक्सटी एट डिवाइडेड बाई फिफ्टीन परसेंट किया उसमें आप वन सिक्सटी एट मल्टीप्लाई फिफ्टीन परसेंट करेंगे ओके सीरीज रिलेटेड अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये आपके पास बहुत से पेपर्स में रिपीटिव क्वेश्चन है आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं लुक एट द सीरीज़ एंड फाइंड द नेक्स्ट नंबर इसमें आपके पास सीरीज गिवन है सीरीज गिवन है और आपने इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो सिमिलरली हम इसको उसी तरीके से करेंगे सीरीज़ है हमारे पास सेवन टेन एट इलेवन नाइन एंड ट्वेल्व आप इसको सॉल्व करेंगे आप इसकी आ, वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें वापस पैटर्न क्या चल रहा है सेवन प्लस टेन कितने होते हैं थ्री टेन माइनस टू अगर आप टू करें तो आपके पास क्या आएगा एट एट में आप दोबारा प्लस थ्री करें इलेवन इलेवन में आप दोबारा माइनस टू करें तो नाइन अब इसमें दोबारा प्लस थ्री करें तो क्या आएगा ट्वेल्व तो प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री माइनस टू तो आप इसमें दोबारा आप माइनस टू करें तो आपके पास क्या जाएगा? So, नम, आ जाएगा टेंथ सो जो नंबर हमने फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास नंबर इज टेन नेक्स्ट आपके पास जो अर्थामेटिक पोर्शन होते हैं क्वांटिटिव रीजनिंग का उसमें आपके पास डेसिमल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इन डेसिमल्स में आपके पास सम आ सकता है इसका प्रोडक्ट आ सकता है और उसकी सब्ट्रैक्शन आ सकती है और डिवीजन भी कुछ केसेस में आपके पास आती है अभी हम इसका सम प्रोडक्ट और डिवीजन डिस्कस करते हैं लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसे आप खुद सेलेक्ट कर लेते हैं फोर्टीन फोर्टी एट पॉइंट थ्री जीरो टू प्लस सेवन पॉइंट जीरो थ्री इस नंबर को हमने क्या करना है ऐड करना है इसमें आप क्या करोगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे और सेकेंड टर्म लिखने के लिए आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है और बाकी टर्म उसके अकॉर्डिंग सेट होंगी ऐसा नहीं करेंगे कि सेवन को स्टार्ट में कर देंगे आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल को प्लेस करना है अब आप इसको प्लस कर लें जिस नंबर पे जहां पर आप बस ब्लैंक स्पेस होगी वहां पर आप खुद से ज़ीरो लगा सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस टू प्लस ज़ीरो टू थ्री प्लस ज़ीरो थ्री थ्री प्लस ज़ीरो थ्री सेवन प्लस एट फिफ्टीन फोर प्लस वन फाइव तो ये आपके पास इसका क्या है आंसर है सिमिलरली uh, अगर हमने इसी नंबर की आपने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो वो आप कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपके पास सेम फार्मूला है पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस करेंगे और बाकी नंबर्स पे जीरो लगा देंगे अब टू माइनस जीरो टू जीरो माइनस थ्री आपके पास नहीं होता तो आप कैरी लोगे यहाँ पर आपके पास टू रह जाएगा टेन माइनस थ्री सेवन और ये टू हो जाएगा पॉइंट एटीन माइनस सेवन वन और ये फोर मैथड बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप प्लस और माइनस कराते हो जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड डैड कि आप पॉइंट को पॉइंट की जगह पर प्लेस करेंगे आगे पीछे नहीं करेंगे ओके मल्टीप्लाई डिवाइड में मैंने एक ही क्वेश्चन को uh, जो है वो ले लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं इसको क्लियर कर सकूं फोर्टी एट पॉइंट टू फोर मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट सिक्स है एक तो हमारे पास जो मेथड होता है आप इस मेथड से इसको सॉल्व करोगे जीरो पॉइंट सिक्स से इसको मल्टीप्लाई कराओगे सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर फोर टू कैरी चल जाएगा सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व फोर्टीन वन कैरी सिक्स एट ज़ार फोर्टी एट और वन फोर्टी नाइन हो जाएगा नाइन फोर सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर और फोर कितने हो जाएगा ट्वेंटी एट उसके बाद आप पॉइंट काउंट करोगे कि हमारे पास कितने डिजिट बन रहे हैं वन टू ये दो डिजिट है और ये थ्री वन टू थ्री यहाँ से थ्री काउंट करोगे और यहाँ पर क्या लगा दोगे पॉइंट लगा दोगे ठीक है एक ये मेथड होता है और एक आप बस सेकेंड मेथड होता है उस मेथड में आप क्या करते हो आप डेसिमल को ख़त्म कर देते हो डेसिमल को ख़त्म करके उसके नीचे वन लगाते हैं और बाकी जितने डिजिट बचते हैं उतने जीरोज लगाते हैं उसमें अब आप आपके पास फोर एट टू फोर डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई सिक्स बाई टेन होगा आप इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये आपके पास टू एट नाइन डबल फोर डिवाइडेड बाय थाउजेंड होगा तो जब आप इस नंबर को थाउजेंड से डिवाइड करवाएंगे यू द सिमिलर आंसर डेट इज ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन फोर फोर ओके आई थिंक इट इज क्लियर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं द नेक्स्ट इज द डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर इसमें आपके पास एक तो सेम वही मैथड फोर्टी एट पॉइंट टू फोर डिवाइडेड बाय जीरो सिक्स और एक मैथड आपके पास क्या होगा फोर्टी एट पॉइंट टू फोर उसी तरह पॉइंट खत्म करके इसको डिवाइड करवाएंगे सिक्स बाय टेन तो आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास यहन बाय सिक्स हो जाएगा टेन वन जार टेन एंड टेन वन जार टेन अब ये सिक्स के टेबल में आप इसकी कटिंग कर सकते हो या आप टू के टेबल में कर लो किसी भी जिसमें भी आप जो है वो कन्वीनियंट हो टू पे करते हैं इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट टू थ्री ज़ारिक्स टू टू ज़ा फोर टू फोर ज़ार एट टू वन ज़र टू 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 ज़ा फोर ओके तो ये आपके पास आ जाएगा टू फोर वन टू और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कराएँ थर्टी आ जाएगा ये दोबारा थ्री से कटिंग इसकी हो सकती है टू सिक्स आर ट तो ये हमारे पास आ, ये दो दो पेयर बन रहे थे तो यहाँ पे हमारे पास जीरो भी आएगा अब दोबारा इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लें आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यह आपके पास एटीन पॉइंट जीरो सिक्स इसका आंसर आ जाएगा ठीक है अब इस इसमें आप क्या करोगे आप सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाओगे जीरो पॉइंट सिक्स को जब आप एट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास एटी आ जाएगा ट्वेंटी फ़ोर को आप नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर जब हम एक पूरा पेयर नीचे उतारते हैं तो ज़ीरो ऊपर आता है तो सिक्स फोर ज़र आपके पास क्या होगा ट्वेंटी फोर होगा अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ रहा था तो उसी जगह पर पॉइंट लगाएंगे जिस जगह पे आप पेड़ नीचे उतारेंगे तो उसी जगह पर आप ऊपर पॉइंट लगाएंगे जब आपके पास पॉइंट आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके पास परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं अर्थमेटिक uh, में जिसमें आपके पास क्वेश्चन होते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट आपके पास एक फ्रैक्शन दी गई है परसेंटेज को आपने इसको किस में करना है फ्रैक्शन में करना है इसमें आपको पास फ्रैक्शन इन डेसिमल और डेसीमल इन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं अब यहाँ के पास ट्वेंटी है सो वी ऑलरेडी नो परसेंट मीन्स डैट वन बाय तो क्योंकि आपके पास ट्वेंटी फाइव बाई आ जाएगा आपने इसको फ्रिक्शन में लिखना है तो इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे फाइव फाइव द ट्वेंटी फाइव टू ज टेन और जीरो तो ये आपके पास फाइव बाई ट्वेंटी आ गया ये फर्दर आपके पास सॉल्व हो सकता है सो तो आंसर इज वन बाय फोर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पास काफ़ी क्वान्टिटिव रीजनिंग में पूछे जाते हैं नेक्स्ट आपके पास इसी से रिलेटेड है इसमें आपके पास नंबर डेसिमल में दिया हुआ है आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है जीरो पॉइंट सेवन फाइव फ्रैक्शन को आप किस में लिखोगे परसेंटेज में लिखोगे आप इसकी बेसिकली परसेंटेज बता रहे हैं परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे इसके पॉइंट को ख़त्म करोगे तो ये आपको सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड आ जाएगा तो हंड्रेड हमारे पास वन बाय हंड्रेड जो है वो परसेंटेज के इक्वल होता है सो इट इज़ सेवेंटी फाइव परसेंट परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में अगर बात हो रही है तो आपके पास uh, जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का वो आपको बताते हैं परसेंटेज हमारे पास क्या होता है ऑप्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई हंड्रेड अगर आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं तो जो आपके पास ऑप्टेन है या जो रिक्वायर्ड है उसको टोटल से मल्टीप्लाई करवा के हंड्रेड फाइन हंड्रेड से टोटल से डिवाइड करवा के हंड्रेड से मल्टीप्लाई कराएंगे वो गॉट द परसेंटेज जैसे आप एक गर्ल ले लें एक गर्ल अगर आपके पास फोर फिफ्टी मार्क्स गेन करती है आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड तो आपने उसकी क्या फाइंड करनी है परसेंटेज तो टेन मार्क्स है? कितने हैं फोर फिफ्टी टोटल कितना है आपके पास सिक्स हंड्रेड इसको मल्टीप्लाई हंड्रेड करवाएंगे हंड्रेड वन 100 हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सो आपके पास 450 divided by 6 आ जाएगा. इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाएगी टू फाइव जेन टू ट्वेंटी फाइव थ्री तो ये आपके पास थ्री वन जै थ्री थ्री सेवन जर ट्वेंटी वन थ्री फाइव जैर फिफ्टीन तो इसके मार्क्स आपके पास आ गए सेवेंटी फाइव परसेंट तो इस तरह हम इसकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच इज ग्रेटर आपके पास फ्रैक्शन में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है तो इस तरह आप फ्रैक्शन में क्योंकि इनमें हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम नहीं है तो हम नहीं बता सकते कौन सी फ्रैक्शन जो है वो से बड़ी होगी तो इसके लिए हम फाइंड करते हैं इसका एलसीएम सिक्स और फोर का जो इनके डिनमिनेटर्स है इनका आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो टू थ्री जार सिक्स एंड सिक्स टू जार ट्वेल्व तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स को ट्वेल्व बनाना है एलसीएम फाइंड करने का बेसिकली मकसद ही ये होता है कि हमने वही इसका डिनोमिनेटर बनाना होता है तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं उसी नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ के पास टेन बाई ट्वेल्व और यहाँ के पास आ जाएगा ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व तो अब आपके पास जो नंबर न्यूमिनेटर में बड़ा होगा वो ग्रेटर होगी सो हमारे पास टेन बाई ट्वेल्व जो है इस स्मॉलर देन द ट्वेंटी फोर बाई ट्वेल्व सिमिलरली आपके पास अगर ये स्मॉलर में गिवन हो तो भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं सो आई थिंक आपको अर्थमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन चाहिए काइंडली कमेंट करिएगा और इसी तरह लाइक एंड सब्सक्राइब करती रहिएगा और मुझे मोटिवेट करते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अला हाफिज़